सो गाइस, मैं चिकन बना रही हूँ, बट पता है आपको, मैंने उसको ढकाया है मेरे जो सेरेमिक वाला प्लेट है उससे, क्योंकि ना जो मेरे जो पैन, एक सेकंड, सो जो मेरे पैन का जो लिड होता है वो टूट गया, पता नहीं कैसे। सो क्या हो रहा था एक्चुअली कि मैं ना बर्तन धो रही थी, ठीक है, बर्तन धो करके जैसे मैंने वो लिड को ऐसे धो करके ऐसे वो जो बर्तन वाला जो बास्केट है उसमें रखा, ठीक है, रखा मैं बर्तन दूसरा धोने लगी, और दिन अचानक से एकदम ऐसे आवाज़ आई भाई, मैं इतना तेज़ डर गई, मेरी हार्ट बीट एकदम यूं हो गई, ठीक है, और फिर ना वो लिड टूट गया, पता नहीं कैसे, एकदम ऐसा भी नहीं कि नॉर्मली टूटा क्रैक आ, वो एकदम छोटे छोटे इसमें टूट गया भाई, मैं इतना डर गई, और ना एक बार टूटा ऐसे फुड़ के, फिर और टूटता गया, मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे भाई। सो वो लिड टूट गया, सो या उसके बाद से मैं सेरेमिक वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन वो वाला तो मैं भूल ही नहीं सकती ऐसे लिड, क्योंकि कुछ मुझे समझ में भी नहीं आया कि वो ऐसे टूट कैसे गया। लाइक मैंने उसको धुल करके ऐसे ही रखा, फिर मैंने दो बर्तन और वॉश किए, उसके बाद वो टूट गया, पता नहीं कैसे। और हाँ, एक तो ये चीज़ है कि मैं अभी होली पे ना घर जाने वाली हूँ, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन। और हाँ, मैंने ना ये प्लांट यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो ना लाइक मुझे ना इंडोर प्लांट्स ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, लाइक मुझे ना घर के अंदर प्लांट्स रखना बहुत पसंद है। सो ये जो प्लांट है ये मैंने अभी लिया है, तो आई वॉन्टेड टू फीचर इट ऑन माई वीडियो। और मुझे ना ऐसे कुछ लाइट वाला एंगल नहीं मिल रहा था, मुझे अभी भी नहीं पता है कि पता नहीं लाइट सही आ रही है या नहीं, बट मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी सही आ रही हूँ, तो यस। और मैं होली पे घर जा रही हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट थिंग, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। लाइक ना पहले ना रीत का घर और मेरा घर ना एकदम आमने सामने था, लेकिन अब जो रीत, मतलब जो मेरी कज़िन है, उसका घर बहुत दूर हो गया, मेरा घर, मतलब वो लोग शिफ्ट हो गए अपने नए घर पर, और मेरा फिर जो घर है वो, तो पता नहीं इस बार होली कैसे कहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, और बहुत चेंजेस टाइप हो गई सारी चीज़ें, तो यस देखते हैं क्या होता है, आई विल अपडेट यू गाइस। सो एंड पता नहीं क्यों मैंने जो भी लास्ट वीडियो डाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है, लास्ट वीडियो इन द सेंस जो मैंने अभी वीकेंड वाला जो डाला है, जो मैं एडवान गई थी वो वाला। सो यस, अब पता नहीं मेरी वीडियो भी ऑन, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है या नहीं, मैं तब से चपट चपट कर जा रही हूँ, सो लेट्स चेक, आई विल मीट यू गाइस इन सम टाइम, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो। सो ये रहा वॉश्ड चिकन, एंड आई हैव कट इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एक्सेप्ट द लेग पीस पार्ट। सो या, नाउ आई एम गोना ऐड स्पाइसेस टू इट, सो हल्दी एंड सम कोरिएंडर। और गाइस, ये ना मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्पेसिफिक रेसिपी वगैरह या कुछ फॉलो करा है, मैं बस अपना थोड़ा बहुत जो दिमाग है उसको लगा के बना रही हूँ। यस, एंड साल्ट, दही है नहीं मेरे पास, और मैं ऑर्डर करना भी भूल गई, तो मैं दही नहीं डाल रही हूँ। ओके, एंड इफ़ यू वॉन्ट आप डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल सकती हूँ अभी। सो नो, सब ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा। और ना आप जब अभी हम लोग जब ऐसे इसको लाइक इसका जब मसाला बनाएंगे, तो ध्यान रखना आप कि जो है कि नमक जो है एकदम ध्यान से डालना, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने ऑलरेडी नमक डाला, लेकिन आप तो मेरी रेसिपी फॉलो करोगे नहीं वो तो नहीं पता, बट अगर हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है। सो मैं अब इसको साइड में रख दूँगी। Thank you.
सारी चीज़ें डाल दी और मैं ना भूली गई कि मुझे तो रिकॉर्डिंग भी ऑन करनी है। सॉरी सॉरी सॉरी। बट ना मैं बता रही थी, मैंने इसमें प्याज फिर ऑयल फिर प्याज फिर जीरा फिर ये गार्लिक देन सम टमाटर और हल्दी नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये सब डाला है। और अभी मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी और ये भी डाला है मैंने तेज़पत्ता बे लीफ। तो अभी अच्छे से पकेगा फिर हम लोग इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। अब मैं इसको और नहीं पका, लाइक आधा पक चुका है ये, तो अब मैं इस पर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डालूँगी, देन वो पकेगा फिर ये और पक जाएगा, फिर पता नहीं कैसा टर्न आउट होगा, बट स्मेल अच्छी आ रही है इससे तो, बट देखते कैसा होता है। ओके एंड बाय द वे गाइस, आपको पता है कि मैं चिकन क्यों बना रही हूँ? लाइक ना मेरा ना जब मूड ऑफ होता है तो या तो मैं सफाई करती हूँ या तो मैं कुछ अच्छा कुकिंग करती हूँ, ठीक है? तो मेरा ना दो तीन दिन से ऐसे कुक करने का मन कर रहा था, बट मैं सोच रही थी कि मतलब ना मुझे थोड़ा यूं सा हो रहा था, मैं सोचा फिर आज मेरा मूड थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ था तो मैंने सोचा चलो मैं चिकन ही बना लेती हूँ क्योंकि मेरा घर साफ है बिल्कुल। सो यस, चिकन बना रही हूँ मैं इसी बात पे क्योंकि मूड ऑफ है, और बट ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि वेस्ट ना हो जाए, बट देखते हैं। Shall I compare to a summer day? She's the sun, she fill out the gray. Quench my thirst, she's my lemonade. The yellow that I couldn't paint. Shall I compare to a summer day? Just like the sun, it will never fade. The cool breeze in the shade. My four leaves to the plate. Right to my mistakes. I'm dozing like a ghost, thinking that maybe I wouldn't notice. But it's colder, it's colder, it's cold around when you're not here. You put this icebox where my heart used to be, my dear. Not too far from the idea. Chicken is looking. दिखने में तो सही लग रहा है, but पता नहीं डर सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। She won't be my downfall. When the rain it pours, my heart will forever take a toll. Cause she's all I know. She's all I know. She's all I. She's all I know. अभी हम लोग खाना बनाने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट काम करने वाले हैं, एंड वो है कि खाते खाते क्या देखना है वो, क्योंकि उसको डिसाइड करने में ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। लाइक ना फिर मैं कहती ये भी देख लो वो भी देख लो, कभी मिलता नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। सो यस, पता नहीं, और मतलब ऐसा होता ना कि फूड के साथ वाइब मैच पता नहीं क्या ही मेरा मन करता है। सो यस, ठीक है। वेल फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे कुछ
सो गाइस फाइनली मुझे कुछ समझ में नहीं आया अगेन, मैंने पूरा नेटफ्लिक्स वगैरह सब देख लिया है. सो लास्टली आई एम गोना वॉच व्लॉग, लाइक ऐसे लिविंग अलोन वाले व्लॉग ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर गोमिया. आप लोग जानते हो गए मोस्ट, लाइक बहुत थेरेप्यूटिक लगता है मुझे उन, आई मीन उसका व्लॉग. आई रियली लाइक हर व्लॉग्स, लाइक सो या आई एम गोना ईट इट एंड आई थिंक आई विल लुक इट. लेट्स सी. ऐसे तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही कि नमक कम होएगा. गाइस मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ और ना ही मैं अपनी तारीफ करना चाहती हूँ, बट सच में अच्छा बना और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, नमक वगैरह मसाला वगैरह. वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ. एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्टेड, सच में बहुत अच्छा है. अब मैं जा रही हूँ, मस्त खाते खाते देखूंगी. बाय बाय. चीज़ रियलाइज़ हो रही कि मेरे पास दो ट्रॉलीज़ हैं और दोनों बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लाइक क्योंकि मैं होली पे बस 3-4 दिन के लिए घर जा रही हूँ और उसके लिए इतना बड़ा ट्रॉली लेकर जाना है, मुझे इतना वो लग रहा है. एक इतना स्पेस लेगा ये ट्रेन में, ऊपर से इतना बड़ा ट्रॉली कैरी करना बहुत वो होता है. ठीक है, सो यस 3 नजर जो है फरेबी तेरा हुआ जान के भी जैसे भी एक क्रिमिनल आत्मा फील तेरा मैं बिलीव नशा है नजाकते.